सेक्रीट करते हैं इन बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मोस्ट कॉमनली जो सेकेंडरी सेल वॉल है इट कंटेेंस सेलुलोज ज्यादा इसमें कंटेंट होता है सेलुलोज का देन हेमीसेलुलोज पेक्टिंस एंड लिग्निन तो यहाँ पे जो लिग्निन कंपोनेंट है इट प्रोवाइड द वाटरप्रूफिंग टू सेल वॉल तो ये प्लांट सेल को वाटरप्रूफ बनाता है जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जाइलम की बात करें तो ज़ाइलम में डिफरेंट टिश्यूज होते हैं कुछ कंडक्टिंग सेल्स होते हैं जो कि वाटर को कंडक्ट करते हैं रूट से लेके पूरे प्लांट में सप्लाई करते हैं तो जो कंडक्टिंग सेल्स हैं ज़ाइलम के इनमें लिग्निन प्रेजेंट होती है तो लिग्निन जो है इनको वाटरप्रूफ प्रूफ बनाता है ताकि जब वाटर की ट्रांसपोर्ट हो तो इन बिटवीन कहीं पे वॉटर लीकेज ना हो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि जो प्लांट सेल सेल वॉल वॉल है इधर इट कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी इसमें कौन से कंपोनेंट्स होते हैं सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सेलुलोज उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक्स पॉलिसेक्राइड प्रेजेंट होते हैं जो मैट्रिक्स पॉलिसेक्राइड हैं, ये जेल लाइक टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे सेल वॉल को और ये जो जेल लाइक मैट्रिक्स पॉलिसेक्राइड है इनके बीच में यहाँ पे तो स्ट्रक्चरल होते हैं जो कि प्लांट सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर है इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं और स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल प्रोटीन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्लांट सेल वॉल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं मीन इसकी स्ट्रक्चर को स्टेबिलाईज करते हैं उसके बाद यहाँ प्रेजेंट होता है लिग्निन हमने अभी देखा कि जो सेकेंडरी सेलवॉल है इसमें यहाँ पे स्पेशली लिग्निन प्रेजेंट होता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दी वॉटर प्रूफिंग टू सेल वॉल तो सबसे पहले अब हम वन बाय वन सभी जो कंपोनेंट्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेट तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो है इनमें सबसे पहले है सेलुलोज सेलुलोज इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज और यहां लीनियर पॉलीमर poly, है ग्लूकोज का इसमें बीटा वन फोर लिंकेज प्रेजेंट होती है और यहाँ पे जब ये सेवरल चेन्स जिनमें बीटा वन फोर लिंकेज है ये नॉन कोवेलेंटली आपस में ज्वाइन करती है तो इससे इस तरीके का एक नेटवर्क जनरेट होता है और ये जो नेटवर्क है इसे हम बोलते हैं सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल तो ये जो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल है अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो इट हैज अप्रोक्सीमेटली थर्टी नैनोमीटर इन डायमीटर उसके बाद यहाँ पे जो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल है इट गिव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ टू सेल वॉल एंड इट इज इनसॉल्यूबल एंड रेजिस्टेंट टू इंजाइमेटिक एंड केमिकल अटैक तो जो प्लांट सेल वॉल है इसको डिफरेंट इंजाइम और केमिकल डाइजेशन से ये बचाता है kyunki it is resistant to many chemicals and many enzymes and it is synthesized by plasma membrane bounded enzyme which is called this cellulose synthase uske baad secondary the matrix polysaccharides नाउ जो यहाँ पे सेल वॉल है इसमें कुछ जेल लाइक सब्सटेंस होता है विच इज मेनली मेड अप ऑफ सम पॉलिसेक्राइड्स एंड प्रोटीन्स और ये जो जेल लाइक सब्सटेंस है इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स पॉलिसेक्राइड और अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो यहाँ पे दो तरह के मैट्रिक्स पॉलिसेक्राइड्स होते हैं जैसे कि हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन तो जो हेमीसेलुलोज है इट इज अट्रोजीनस ग्रुप ऑफ लाइक मेम्ब्रेन ऑफ ग्वालजी ऑपरेटस तो, तो ग्वालजी ऑपरेटस की जो मेम्ब्रेन बाउंडेड एंजाइम्स है वो सेक्रेट करते हैं यहाँ पे हेमीसेलुलोज को और उसके बाद जो है ये सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस इन फॉर्म ऑफ सेल वॉल में सेकेंड इज कॉल है इट कंटेन दिलेक्ट्रोनिकॉर्मिंग है जो और कॉम्पोन है सेल वॉल के दे आर इम्बेडेड उसके बाद यहाँ पे इट हेल्प इन कनेक्टिंग डिफरेंट सेल्स टू इच अदर मीन्स जो सेल्स के बीच में ये कनेक्शन क्रिएट करता है जो मेनली जो सेल वॉल के सेल्स होते हैं उसके बाद ये आयन बैलेंस मेंटेन करता है पीएच बैलेंस जो है इसको मेंटेन करता है एंड इट इट द फॉरेन मॉलिक्यूल्स। नाउ नेक्स्ट आर कॉल जो लिग्निन है दे आर कॉल्ड द फिनोलिक पॉलीमर्स, एंड इट कंटेन थ्री टाइप ऑफ अल्कोहल्स तो इस तरीके तरीके से तीन की इसमें होती हैं। तो यहाँ पे जो लिग्निन है ये वाटर से प्रिवेंट करता है प्लांट सेल वॉल को वाटर से प्रिवेंट करता है और इसको हाइड्रोफोबिक नेचर प्रोवाइड करता है एंड प्रिकर्सर ऑफ इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एंड एंड्रीटेड टू वॉल उसके बाद यहाँ पे इट इज इनसोलूबल इन वॉटर एंड ऑर्गेनिक सो इट इट प्रोवाइड प्रोवाइड दी टू सेल वॉल एंड दी मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सेल वॉल उसके बाद इट रिड्यूस दिलिटी ऑफ सेल वॉल टू अटैक बाय डिफरेंट पैथोजन और डिफरेंट एंटीजन डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन सेल वॉल विच इंक्लूड दी हाइड्रोक्सी प्रोलिन रिच ग्लाइकोप्रोटीन्स जैसे कि एक्सटेंसिन ये major structural protein present होता है प्लांट ग्लाइसिन रिच प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं and proline -rich proteins present होते हैं। और जो वॉल है इसमें कुछ फंक्शनल प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि एक्सपेंसिन तो जो एक्सपेंसिन है इट कॉज दी पी डिपेंडेंट एक्सटेंशन एंड स्ट्रेस रिलैक्सेशन ऑफ वॉल तो ये स्ट्रेस रिलैक्सेशन में हेल्प करता है और यहाँ वॉल उसके बाद यहाँ पे जो है, अब, अब हम इसके बारे में ग्रोइंग स्टेजेस पे है तो सबसे पहले ये प्राइमरी सेल वॉल सेक्रेट करता है और जो प्राइमरी वॉल है इट इज रिलेटिवली थिन एंड फ्लेक्सीबल एज कम्पेयर टू दी वॉल और यहाँ पे इट कंटेन अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी 25 of और यहाँ पे जो पेक्टिन है इसका content है 35 and approximately 1 -8 of structural proteins. उसके बाद अगर हम secondary cell wall की बात करें तो जब सेल एक बार मेच्योर हो जाता है और इसमें फर्दर कोई भी ग्रोथ नहीं होती तो जो सेल है ये अपने आप को ज्यादा स्टेबलाइज करने के लिए अपने स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एक सेकेंड वॉल डिवेलप करता है जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल सबसे पहले ये प्लांट सेल है इसमें इस सबसे पहले ये ये जो है ये प्राइमरी सेल वॉल है और यहाँ पे जो थिक है दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल वॉल और इसके अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो इस तरीके से जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये काफी ज्यादा थिक होती है एस कंपेयर टू प्राइमरी सेल वॉल और इसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है इनकी अरेजमेंट डिफरेंट होती है देन प्राइमरी सेल वॉल सो दैट इट प्रोवाइड द एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सेल और ये यहाँ पे जो है ये वॉटर रेजिस्टेंट बनाता है सेल वॉल को मीनस हाइड्रोफोबिसिटी प्रोवाइड करता है सेल वॉल को तो यहाँ पे इस तरीके से जो है सेल वॉल की स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे दो प्लांट सेल्स हैं और इनके बीच में जो एक सीमेंटिंग लेर इसे हम बोलते हैं मिडल लेमिला तो जो मिडल लेमिला है ये डिफरेंट नेबरिंग सेल्स को आपस में ज्वाइन करती है इनके बीच में एज अ सीमेंटिंग मटीरियल होती है अगर हम यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो कुछ प्लांट जो है ये सेकेंडरी सेल वॉल को सक्रियट नहीं करते ये प्राइमरी सेल वॉल में कुछ और कंपोनेंट्स ऐड करते हैं और प्राइमरी सेल वॉल की थिकनेस से ही जो जो सेल है इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलती है लेकिन जो मोस्टली वुडी प्लांट्स है और जो मोस्ट ऑफ प्लांट्स हैं ये सेकेंडरी सेल वॉल क्रिएट करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सेल तो जो वुडी प्लांट्स हैं इनमें तीन लेयर्स होती हैं सेकेंडरी सेल वॉल की विच इज द एस वन एस टू एंड एस थ्री ले

तो इसलिए ये प्लांट सेल को सेल वॉल को यहाँ हम बोल सकते हैं हाइड्रोफोबिसिटी प्रोवाइड करता है मीन्स इसको वॉटर रेजिस्टेंट बनाता है उसके बाद यहाँ पे जो मिडल लेमिला है इट ज्वाइन द नेबरिंग सेल एंड एक्ट एज अंटिंग लेयर बिटवीन डिफरेंट सेल्स और इट कंटेन हायर अमाउंट ऑफ पैक्टिन और इसमें हाइड्रोक्सी प्रोलिन रिच ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल एंड डिफरेंट कॉम्पोनेट्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड इफ यू फाइन दी कंटेंट प्लीज आई कैन शेर दी वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल बायोलॉजी ऑन अर्थ